हाय दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और हैक्स एंड ट्रिक्स के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। चूँकि अभी इस कमांड प्रॉम्प्ट पे है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा। तो उसको ओपन करेंगे हम लोग स्टार्ट मेन्यू से CMD टाइप करके। तो इस कमांड को टाइप करने के लिए सबसे पहले वो क्या करना होगा, जब अगर आप किसी डिस्क को फॉर्मेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी होगी डिस्क पार्ट DISKPART। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपसे ये परमिशन मांग रहा है कि क्या आप इसको एक्सेस करना देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लॉगिन देने के लिए आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारे सिस्टम है उसमें कितने डिस्क है, उसके लिए लिस्ट डिस्क। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्क 0 और डिस्क 1, और जो डिस्क 0 है वो 465 GB में है। तो ये मेरा हार्ड ड्राइव है जो मेरे सिस्टम का है। डिस्क 1 3819 MB में है, जो कि ये मेरी पेन ड्राइव है जो मैंने एक्सटर्नल यूज़ की हुई है। तो ये मैं इसको दिखाना चाहूँगा, ये टोटल जो हार्ड डिस्क है और ये एक्सटर्नल ड्राइव है। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे अगेन। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं आपको उसके लिए दिखा देना चाहूँगा कि पेन ड्राइव में मैं ऑलरेडी डाटा जो है मेरा कंटेन मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आइए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, इस डिस्क को सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट डिस्क 1। डिस्क 1 इज़ नाउ सेलेक्टेड, जो डिस्क 1 है जो हमारी पेन ड्राइव वाली डिस्क है उसको मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद इसके हम पार्टीशन चेक करेंगे कि इसके पार्टीशन कितने हैं। लिस्ट पार्टीशन PARTITION। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका जो एक ही इसमें पार्टीशन किया हुआ है। तो हम लोग उसके बाद लिस्ट पार्टीशन देखने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पार्टीशन है इसका एक ही पार्टीशन है। इसके लिए सबसे पहले पार्टीशन को सेलेक्ट भी करना होगा, सेलेक्ट पार्टीशन 1। पार्टीशन 1 अब यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, अब इसको डिलीट करेंगे। फॉर्मेट पार्टीशन फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS इक्वल टू क्विक। बिल्कुल फॉर्मेट जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 100% कंप्लीट हो गया है। अब ओपन करते हैं पेन ड्राइव को। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं NTFS फॉर्मेट से FAT32 में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट FS इक्वल टू FAT32 क्विक एंटर। आप एंटर कर देंगे, डिस्क पार्टीशन सक्सेसफुली फॉर्मेटेड। उसके बाद इसका जो पार्टीशन है वो FAT32 में चेंज हो चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो इस प्रकार से इन कमांड्स को यूज़ करके हम एक एक्सटर्नल डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साथ में जुड़े रहें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज संतोष कुमार साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे। बाय बाय। हाय दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस प्रकार से एक सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप एज ए गेस्ट भी लॉगिन है उसके बाद भी हम लोग उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में।